आज जो हम ये प्रयोग देखने हैं, ये आप घर की कुछ आवश्यक वस्तुओं के द्वारा अपने आप को आत्मसम्मान करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पहले हमें मोबाइल का हेडफोन चाहिए और एक मोबाइल लेना चाहिए जिसमें अच्छी वॉइस आती हो, जिसका स्पीकर साउंड हेवी हो। ठीक है, दोनों ईयरफोन को अपने कानों में लगा लीजिए। अब इसके बाद हमारी इंडियन पावरफुल समवन की वीडियो या ऑडियो को डाउनलोड करके उसे मोबाइल में स्टार्ट कर दीजिए। अभी हमें स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ डाउनलोड करके रखना मोबाइल में। अब सबसे पहले हम आँखों को साधना करेंगे ताकि हम आत्मसम्मान की प्रथम अवस्था की तैयारी कर सकें। हमें उंगली के नाखून पे त्राटक करना है जिससे हमारी आँखों की साधना हो सके। उंगली को आज्ञा चक्र पे की सीट में नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम नॉर्मली साधना करते तो आज्ञा चक्र की सीट में रखते हैं, हमें उसे अपने मस्तिष्क की सीट में रखना है जहाँ पर हमारे बाल स्टार्ट हो गए। वहाँ से इस पे करने पे हमारी आँखों में ध्यान की अवस्था सक्रिय होती है। अब हम इसको निरंतर देखते रहेंगे। इसमें आप बिल्कुल ही पलकें ना झपकाएं, इस अवस्था में बिल्कुल स्थिर होकर देखते रहें और एक आरामदायक सोफ़ा या कुर्सी जरूर लगा के रखें। जैसे साधक ने पीछे लगा रखी, वैसे एक आरामदायक कुर्सी पर प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे हम इस पर स्थिर होते जाएंगे, अपने आप को ध्यान की अवस्था में लाने के लिए हम तैयार होते जाएंगे। और जैसे जैसे हमारा मन शांत होगा, स्थिर होगा, वैसे से हमारी ये ऊर्जा एक जगह स्थिर होने लग जाएगी। अब निरंतर देखते रहिए और देखते रहिए और देखते रहिए और हम इसी अवस्था में स्थायी बने रहेंगे। अब हमें जब लगने लग जाए कि हमारा काम हो गया तो अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और जो हमने इंडियन पावरफुल समवन की वीडियो बताई थी उसे डाउनलोड करके सुनने लग जाइए। अब हम धीरे धीरे गहन ध्यान की अवस्था में जाते जाएंगे और जाते आएंगे। जैसे जैसे उसमें सेशन बढ़ेगा, वैसे जैसे आपको ध्यान बढ़ता आएगा और ध्यान बढ़ता आएगा और ध्यान बढ़ता आएगा और ध्यान बढ़ता आएगा। हमें इस तरह के आभास अपने आप होने लग जाएंगे। उसमें जो हमने शब्दों का यूज़ करा उसको साधना के रूप से विकसित करा। आप उसको वीडियो को डाउनलोड कीजिए और आप साधना करना चाहते हैं तो इस तरह का तरीका करके आप सहज एक सरल विधि आत्मसम्मान की सीख सकते हैं। यह विधि सिखाने के लिए लोग 1500 से लेके 1000 रुपये तक ले लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप एक वीडियो डाउनलोड करके और इस अभ्यास को सीख के खुद ही घर पे साधना कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि आप किसी के पास जाएं। यह साधना आपको ध्यान की अवस्था में ले आने के लिए प्रयत्न कर सकती है, क्योंकि आप जितनी अच्छी अवस्था में साधना कर पाएंगे उतनी आपकी एकाग्रता और विचार शून्यता विकसित हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह के प्रयोग आप घर पर करिए, सरल करिए। हज़ारों रुपये खर्च करने के बजाय सरल तरीक़ों से साधना करना सीखें और एक समय बाद आप खुद साधक बनके अपनी अवस्थाओं को पहचानने लग जाएंगे। धन्यवाद।